छल करता है, कोई हमें पीड़ा देता है, तो तन दुख से और मन प्रतिशोध से भर जाता है। फिर हम प्रतिकार चाहते हैं, अपने मन की अग्नि को शांत करने के लिए प्रतिशोध चाहते हैं, और यही हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। तो क्या किया जाए? इसका केवल एक ही उपाय है, और वो है क्षमा। यदि प्रतिकार चाहिए तो प्रतिशोध भुला दीजिए और न्याय की ओर अपने पग बढ़ाइए, क्योंकि यही वास्तविक प्रतिकार है। हम अपनी सोच और संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसे सत्य कहना धर्म है, असत्य कहना पाप, सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म, उपकार करना, जीवों पर दया करना धर्म है और निष्ठुर होना अधर्म। परंतु क्या यही सत्य है? क्या कभी कभी परिस्थितियां इन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती? करती। यदि इस संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो परिस्थिति के अनुसार चलना। जटायु स्मरण है आप सबको, वो जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, उस पर आक्रमण किया था। उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, धर्म था। इसीलिए अंत में उन्हें भगवान राम की गोद में। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म को सहनशीलता समझकर हर अन्याय को सहते हैं और अंत में वो बाणों की शैया पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करके किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करे, तो उसके रक्षा हेतु उसका वध कर देना पाप नहीं, समय की मांग है। क्योंकि आक्रमण भी आत्मरक्षण ही है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुंचे, पीड़ा पहुंचे, तो उसे सहायता ना देना ही धर्म है। अकारण क्रोध अस्वीकार है, परंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ पाप बाहुभीत हो, तो क्रोध और दंड भी धर्म ही है। स्वीकारण, सत्य का स्वीकारण मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर भर चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना हो, तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका है, चाहे वो लालच हो या मदिरा पान। उस व्यसन का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसन के बंधक। इन पक्षियों को देख रहे हैं आप? इनका उड़ना वायु में इतना संतुलन मुक्त कर देता है ना? इन्हें उड़ते देख आपके मन में भी इच्छा होती होगी कि इन्हीं की भांति आप भी स्वतंत्रता से उड़ पाएं। ईर्ष्या होती है जब आप इन्हें खुले आकाश में ऐसे विचरण करते देखते हैं। पर कभी सोचा है इस उड़ान को, इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कितना परिश्रम, कितना अभ्यास किया होगा इन्होंने? आकाश में उड़ने से पूर्व धरती पर कितना गहन परिश्रम किया होगा इन्होंने? इनके माता पिता ने पहली बार जब इन्हें पंख फड़फड़ाने को उकसाया होगा, तो कितनी बार गिरे होंगे?
पहली बार वायु में उड़ते समय कितना भय लगा होगा। अपनी पहली उड़ान के पश्चात धरती पर उतरते समय कितना कितनी चोट खाई होगी। इस उड़ान इस स्वतंत्रता का ये मूल है, यदि आप ही दे सकते हैं तो अवश्य आप भी इस स्वतंत्रता को पा सकते हैं। इन पक्षियों की भांति ही अपने चारों ओर जब भी आप किसी सफल मनुष्य को देखें तो उससे ईर्ष्या न करें, उसके परिश्रम और पीड़ा को समझने का प्रयास करें जो उसने यहाँ तक पहुंचने में पाई। प्रेरणा प्रयास करें और स्वयं भी सफल हो जाए। हमारे जीवन का मूल आधार है करुणा। करुणा क्या है? करुणा दया नहीं, करुणा वो भाव है जिससे हम दूसरे की समस्या को समझते हैं। उसकी कठिनाई को अनुभव करते हैं। इस संसार में सारे संघर्षों का मूल है एक दूसरे की परिस्थिति को ना समझना, और इस समस्या का हल है करुणा। करुणा किसी पशु पक्षी के प्रति हो या किसी मनुष्य के प्रति, ये आपके जीवन में कलेश और संघर्ष जैसी भावनाओं को दूर रखती है। और जिस दिन आप दूसरे को करुणा के दृष्टिकोण से देखेंगे, आपको उसकी समस्या समझ आएगी और उसे आपकी, और उस दिन हर संघर्ष का अंत हो जाएगा। कभी सोचा है हमारा जीवन